हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, रहमतुल लिल आलमीन पूरे दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, किसी एक कौम या मजहब के लिए नहीं या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर वो मजहब, हर वो कौम, हर वो फर, हर वो व्यक्ति के लिए रहमत बन करके दुनिया में तशरीफ़ लाए। उसी के लिए आज लोग जश्न विलादत मना रहे हैं, अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। हिंदू समाज हमारे जो नागरिक एकता मंच के सभी सदस्यगण हैं, सारे लोग शामिल हैं। यही तो एक एकता का संदेश है जो हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो किशनगंज से पूरे देश में जाता है, यही तो हमारा एकता है कि जब रामनवमी का जुलूस होता है तो हमारे सारे मुस्लिम समाज उसमें शामिल होते हैं, और जब जश्न विलादत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश पर, आज समाज सब हमारे हिंदू समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, सारे लोग अगुवाई कर रहे हैं जुलूस का। ये एक अच्छा संकेत है जो अमन और शांति का, एकता का प्रतीक किशनगंज है, इसके प्रति एक अच्छा संदेश है, इसीलिए हम लोग सारे लोग मिल करके यहाँ पर एक साथ रहते हैं। ये संदेश भाईचारगी का है और यही किशनगंज की खूबसूरती है कि MIM के विधायक जीतते हैं किशनगंज शहर से, और जब अयोध्या पर डिसीजन आता है तो वो जो है किशनगंज के अमनो अमान के लिए सड़क पर निकल के आते हैं पूरे नागरिक एकता मंच के सदस्यों के साथ। उसी तरह आज हम लोग हजरत साहब का जो जन्मदिन है, इस अवसर पर पूरे हिंदू समाज के लोग नागरिक एकता मंच के माध्यम से जनाब MLA किशनगंज सदर विधायक कमरुल हुदा के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग एक होके ये संदेश देना चाहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब न कि इस्लाम के पैगंबर थे, पूरे दुनिया में उनका जो है नाम जाए इसकी हम कामना करते हैं, और ये सौहार्द के लिए जो है बधाई देते हैं यहाँ के नगरवासियों को कि ऐसा सुंदर जो है जुलूस व्यवस्थित तरीके से मिलादुल नबी के अवसर पर निकला, इसके लिए लाख लाख बधाई। धन्यवाद।